चलिए अब बात बिहार के सियासत की, जहां की आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और इसकी वजह है महागठबंधन के 3 विधायकों का बीजेपी में शामिल होना। आज पटना में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने बीजेपी ज्वाइन किया है। वही आरजेडी खेमे के से संगीता देवी पाला बदल करके बीजेपी में शामिल हो गई है। कांग्रेस के मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में मंत्री भी थे और चेनारी विधानसभा से विधायक हैं। सिद्धार्थ सौरभ विक्रम विधानसभा से विधायक हैं और वहीं संगीता देवी मोहनिया विधानसभा से विधायक हैं। बिहार में विपक्षी गठबंधन में अब तक 6 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। आरजेडी के 3 विधायक ने पहले ही पार्टी से किनारा कर लिया था और अब एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। इनके अलावा कांग्रेस के 2 और विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और पार्टी के 1 विधायक ने पहले ही पाला बदल लिया था। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? जी। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? जी। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? जी। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो खेल कर रहे थे उन्हीं के साथ खेल हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर अब किसी को भी भरोसा नहीं रहा। खेला कर रहे थे उन्हीं के साथ खेला और हम क्या करें। एक तरफ जहां अच्छा, विधायक अब क्यों आ रहे हैं, यादव है वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक अब रहे हैं। भाई कोई भरोसा ही नहीं है, जीत के कैसे आएंगे। अच्छा, ये विधायक अब लालू प्रसाद जी के परिवार के साथ जो रहेगा वो चुनाव जीत के कैसे आए, वो स्वयं नहीं जीत पाते। 2010 का चुनाव याद कीजिएगा, लालू जी के परिवार के लोग भी चुनाव नहीं जीत पाए। अभी अच्छा विधायक है वो भी अभी आएंगे। देशवी यादव यात्रा पर निकले, रास्ते खुले हैं, जन विश्वास स्वागत। देखिए, महागठबंधन में अफरा तफरी पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि जो लोग गलत फहमी में चले जाते हैं वहां टिक नहीं पाते, इसलिए लोग इधर आ रहे हैं। खेल महागठबंधन के साथ हो गया है। जो कहीं गलत फहमी में कहीं चले जाते हैं और वहां वो अपने को फिट नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप में वो चले जाते हैं। आपने खुद देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी चर्चा आज हमने किया है कि वो असहज महसूस कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जब इधर चले आए हैं तो बहुत से विधायक उधर से टूट करके एनडीए में आए हैं। और भी आएंगे। विधायकों की पार्टी छोड़ने पर आरजेडी नेताओं का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, राजनीतिक मर्यादाओं की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की दीवारें ढह रही हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ बेमाना होकर रह गया है। ये करतूत अच्छा नहीं है, जनता के सामने में इसका अच्छा पैगाम नहीं जाता है और जनता के वोटों का अविश्वास है। आपने पार्टी के टिकट के नाम पर उसे वोट लिया है, आप जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को जो धोखा देते हैं और जनता को जो धोखा दिलवाते हैं ऐसे लोग अच्छे प्रशासक कभी नहीं हो सकते। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हम लोगों को जितनी मजबूती से हम लोग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं।